हेलो जी, वेलकम बैक। और दुकान जो हमने लगाई है वो लगाई है जी एक ऐसी मिठाई जो आजकल बड़ी फेमस हो रही है, रोल बन बन के मिलती है, और उसका नाम लोग रखते हैं अंजीर खजूर रोल। सो डेट्स एंड फिग्स रोल के साथ मैं हूँ रणजीत ब्रार। और ये 10-1 सेकंड का ब्रेक है, उस तरफ मिलना है। आओ जी शुरू करें फिर। हैं, बहुत ही सिंपल है जी। ये है अंजीर और ये है खजूर। तो यानी कि अंजीर खजूर रोल बनाने के लिए आपको चाहिए अंजीर और खजूर। ये अंजीर कुछ ऐसा था, इसको हमने सोक किया तो कुछ ऐसा हो गया, और उसके बाद हमने इसका बना लिया पेस्ट तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है जी। दूसरा, ये डेट्स यानी खजूर कुछ ऐसे थे, हमने पेस्ट बनाया तो कुछ ऐसे हो गए, ठीक है। तो अब इनकी भुनाई चालू करते हैं। भुनाई के कार्यक्रम के लिए घी, डेट्स और फिग्स। तो डेट्स लगभग एक भाग और फिग्स लगभग दो भाग, और तसल्ली से भुनाई करनी है जी इसकी। पूरा पानी सुखाना है और इनके अंदर की जो शुगर्स हैं वही कैरमलाइज होंगी और वही इस मिठाई को टेक्सचर देंगी। दूसरा काम है इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट भरेंगे भाई, तो अंदर की फीलिंग जो है बहुत रिच बनती है जी। भाई त्योहारों की अगर बात करें तो हमारे त्योहारों में मेवे और मावे जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, है ना। तो वाह, काजू, अखरोट, बादाम एंड हियर वी गो, ठीक है जी। ये सब जाएगा मिक्सी में। मिक्सी में इसका मोटा मोटा क्रश्ड टाइप का पाउडर बनेगा। और अब फिलिंग के लिए थोड़ा अंजीर भी चॉप कर लेते हैं ना। ये वो अंजीर है जो सोक नहीं है, ठीक है। इसको चॉप करेंगे तो इसका जो दानेदार टेक्सचर आता है ना वो बड़ा अच्छा रहता है। ये गया थोड़ा केसर, ठीक है ना। और ये मेरे पास थोड़ा सा काजू का पाउडर पड़ा हुआ है, पहले कतली बनाई थी ना उसका बच गया, तो वो भी थोड़ा डाल देता हूँ। ये जो मोटा मोटा काजू का पाउडर है ये लो, इससे अंजीर थोड़ा खुल जाएगा ना, काम करना इजी हो जाएगा। और बीच बीच में भुनाई चलती रहनी चाहिए अपने रोल की। ये लीजिए, ये हो गई अंदर की फिलिंग। ये देखिए डन हो गया। अभी कैसे डन हो गया मैं बताता हूं आपको। जैसे आम पापड़ होता है ना, आम पापड़ जब इसको फैलाएंगे ये एकदम पतला पतला फैलेगा, ये देखिए, और एकदम आम पापड़ जैसा होता है। ये देखिए, ये छूट रहा है आम पापड़ की तरह। ये देखिए, ये देखिए, लेदरी हो गया ना, रबरी। ये देखिए, बस इसका मतलब रेडी है। इसका मतलब इसको सिर्फ ठंडा करना है, ठंडा इसलिए करना है ताकि इसका रोल बन जाए, बस। थोड़ा सा हिस्सा लिया और इसको हम लोगों ने फिलिंग में मिला दिया, ठीक है जी। गरम होगा, ध्यान से मिठाई बनानी है, हाथ नहीं चलाने। ये लीजिए,
इससे क्या है ना, थोड़ी बाइंडिंग आ गई बस। अब इसमें ये डाली फिलिंग, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं चाहता तो आपको इसको सिल्वर फॉयल में लपेट के दिखा सकता था, तमाम तरह के ड्रामे कर सकता था, बट जो घर पे होता है उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये लीजिए ऐसे फिलिंग डालिए और ऐसे उसको वापस लपेट लीजिए। ये लीजिए, बीच में अगर हवा भर गई है तो वो निकालने के लिए थोड़ी पटका पटकी कर देते हैं। ये अक्सर ऐसे स्लाइस होके पड़ा होता है ना मिठाई की दुकान पे, हमको लगता है यार ये तो सबसे महंगी मिठाई होती है वहाँ पे, है ना, क्योंकि सिर्फ ड्राई फ्रूट है, अंजीर है, तो हमको लगता है यार ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है, मतलब इतनी महंगी है। नहीं, यूजुअली द मोस्ट एक्सपेंसिव मिठाई। अब ये खसखस डाली इसमें और ये रोस्ट करी हुई खसखस है, हो सकता है कि ठंडा हो जाए, राइट? अगर ठंडा हो जाएगा तो उतना ज़्यादा पोस्ट तो उतना ज़्यादा खसखस चिपकेगा नहीं, तो टेंशन मत लीजिए, हल्का सा हाथ गीला कीजिए और ऐसे लगा लीजिए उसके ऊपर। ये लीजिए, हो गया काम। हींग लगे ना फिट करी, रंग चोखा ही चोखा है, क्या नहीं? बस जी बस, अब इसके सेट होने का इंतजार, उसके बाद स्लाइस करके मजे से खाएंगे मेरे यार, है कि नहीं? फिर मनाएंगे त्योहार। ये लो जी, ठीक है ना? अब अगर तो समय है तो उसको आराम से एसी में ठंडा कीजिए, जल्दी में है, मेहमान आने वाले हैं तो फ्रिज में डाल दीजिए। आई वुड प्रेफर दी एसी, टेक्सचर अच्छा है। क्या बात है, वाह। नेक्स्ट टाइम ना एक काम कर सकते हैं, अगर काजू कतली बची हुई ना तो अंदर की जो फीलिंग है ना उसमें काजू कतली ऐसे मैश करके डाल दीजिए, तो अंदर की फीलिंग जो है उसको काजू कतली बांध लेगी। मैं तो ऐसे करूंगा। अंजीर काजू रोल, एक रेसिपी दे दी, एक आइडिया दे दिया, मेरा काम खत्म। नमस्कार और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।